हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल. सो टुडेज टॉपिक इज टाइड. टाइड इज, आप इसके बारे में बहुत सारा चीज़ें आपने पढ़ी, ओशियन टाइड के बारे में. सो कभी कभी एक बड़ा अच्छा एक वो आता था, पहले एक लाइन है, टाइड एंड टाइम एंड टाइड एंड टाइम वेट फॉर नन. मतलब किसी का इंतजार नहीं करती, वही टाइड है जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. कब आ जाए, कैसे आ जाए, और ऐसी घटनाएं अक्सर आपको कहाँ सुनने को मिलती हैं, जापान में. तो वैसे ही यहाँ पर भी हम टाइड के बारे में बात कर रहे हैं. तो टाइड क्या है बेसिकली, तो आपको यहाँ पर अर्थ भी दिख रहा होगा पिक्चर में थोड़ा सा. यहाँ सन है और साथ ही साथ यहाँ पर मून भी दिखाई देगा. ये मून है, ठीक है. तो ये तीन चीजें हैं. ये क्यों ऐसा दिखा रहा है, क्यों ऐसी चीजें हो रही, कैसे आता है. पहली चीज, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर ले चलता हूं. जब आप इसको देखते हो, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, राइट. इसमें क्या हो रहा है, ये जो आपका वाटर है ये ऊपर जा रहा है, राइट, फिर नीचे आ रहा है. राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर, राइज एंड फॉल ऑफ किसका, सी वाटर, राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ये तो एक सिंपल सी लैंग्वेज है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह, बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून इज कॉल्ड, क्योंकि ऑफ द सन एंड मून, जैसा मैंने बताया कि यहां सन भी है, मून भी है एंड अर्थ भी है. तो इन दोनों के, अर्थ के बीच में वाटर है, सी वाटर है, और दोनों में जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो यहां से क्या करेगा, एक दूसरे को खींचेगा. तो यहां पर क्या है कि वाटर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा. इसका रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड बनना स्टार्ट होता है, राइट. एक चीज ये है. अब इसमें तो ना यू इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है ऐसा इसमें, तो आप इसमें बता सकते हैं कि सर व्हाट इज टाइड. टाइड इज राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस. फोर्स किसके बीच में है, ग्रेविटेशनल फोर्स. अ ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्सेस ऑफ सन एंड मून, इन दोनों के उससे. अब यहां पर ये होगा तो वाटर ऊपर उठेगा और नीचे गिरेगा, दैट इज टाइड. लेकिन ये कहना एकदम रॉन्ग होगा कि ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्किंग बिहाइंड इट. नहीं, इसके साथ एक और फोर्स काम कर, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसलिए एग्जाम में इस चीज को ध्यान दें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इस पे काम करते हैं, तब जाकर ये टाइड बनता है. अब आता है बात यहां पर कि ओशियन टाइड में, टाइड में क्या चीजें हैं, कैसे कैसे बनती हैं, कब कब आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगर हम टाइड की बात करते हैं तो इफ मून स्टेशनरी एवरी प्लेस ऑन द अर्थ, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, अगर पूरे उसमें जैसे सन मून ये स्टेशनरी है, अगर ऐसे सीधे जैसे अभी बना हुआ है, अगर एकदम सीधा आ जाए, सीधा रहेगा, तो इसमें 24 आवर में टू हाई टाइड एंड टू लो टाइड इसमें आएंगे, टू हाई टाइड एंड टू लो टाइड आपको मिलेंगे. अगर ये हमारा सारा क्या हो, स्टेशनरी मतलब एक ही लाइन पर हो, तीनों के तीनों 180 डिग्री पर लोकेटेड हो, सन मून एंड अर्थ, ठीक है. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, अगर ये, लेकिन ऐसा ऑल टाइम होता नहीं है, क्योंकि सन के चक्कर लगाती है अर्थ और अर्थ के चक्कर लगाता है मून. तो जाहिर सी बात है कि ऐसा होने वाला है नहीं, 24 आवर्स में ऐसा नहीं होगा. अब चीज है, बट इसमें थोड़ा सा एक और चेंजेस है
कि कैसे फिर चेंज कैसे होता है, बदलती कैसी चीजें, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमेशा चेंज होता है, तो बट मून ऑल्सो रिवॉल्व द अराउंड द अर्थ 27 पॉइंट कुछ में आता है और चीजें होती हैं, तो वैसी वजह से ये बदलती है हमारी। लेकिन कुछ लोकेशन पे अंडर द मून एग्जैक्टली आफ्टर 24 आवर या 24.52 में ये लो टाइड हाई टाइड यहाँ पर आता है, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से ऐसा होता है। अब हमारे हमेशा एक चीज और भी सोचना है कि सर ये लो टाइड हाई टाइड बनने के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है भाई। हाई टाइड अगर बन रहा है, आपको दिख रहा ना लो टाइड एंड हाई टाइड, ये अगर बन रहा है लो टाइड हाई टाइड, यहां पर और अच्छे से नजर आएगा। एक जगह लिखा है आपका हाई टाइड एंड सेकेंड है लो टाइड, इसके पीछे क्या रीजन है। आपको एक चीज दिख रहा होगा मून, एक जगह मून आपको यहां पर दिख रहा है और एक जगह मून आपको यहां पर दिख रहा है, राइट। सन एक ही जगह पर है और ये ऐसा दिया हुआ, ये आपका डिफरेंस बिटवीन द हाई टाइड लो टाइड, ये डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द ओशन वाटर पे डिपेंड करता है। पहले तो ये आती ऊपर से, कैसे ओशन वाटर का जो डेप्थ है उसके आधार पे वहां ज्यादा और कम आएगा। लेकिन उसके पीछे भी रीजन है कि कब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा कब कम लगेगा। मतलब अगर हम इसकी बात में जाएं कि इसके पीछे का एक रीजन हो सकता है क्या, डेप्थ ऑफ द ओशन, नहीं, इसके पीछे कई सारे रीजन है, एक रीजन नहीं है। नंबर वन इज डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द ओशन वाटर, नंबर वन डेप्थ ऑफ द ओशन वाटर। ओशन वाटर नंबर टू क्या रीजन हो सकता है, अब नंबर टू है कॉन्फिगरेशन ऑफ द कोस्ट लाइन्स, कोस्ट लाइन। नंबर थ्री ओपननेस एंड क्लोजनेस ऑफ द सी, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अब आता है डिस्टेंस, मून का सन से, अर्थ से, सन से, जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी डिपेंड करती है इस पर कि कैसे कैसे काम करेगा, कहाँ कहाँ बढ़ेगा। तो ये इसके फोर रीजंस है जो काम करते हैं, एक तो वो हाई है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और इसकी डिस्टेंस काम करती है, दूसरा तीसरा तीन रीजन अलग से हैं, इट मीन्स कि फोर रीजंस यहाँ पर काम करते हैं। फोर्सेस की बात करें तो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं यहाँ पर, तो हम इसको यहां पर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें यहां पर एक इसी में एक वर्ड आता है, दैट इज ईबीवी एंड फ्लड, इसकी वजह से आता है टाइड की वजह से। अभी टाइड के तो बहुत सारे टाइप्स भी है जिनको हम पढ़ेंगे, तो अगर हम इसमें एक पॉइंट ये भी चाहे बाद में पहले समझ लोगे तो ज्यादा समझ आएगा, इसी से रिलेटेड है, फ्लड भी कह सकते हैं इसमें। ईबीवी क्या होता है, द टाइम, मतलब जब ये हाई टाइड लो टाइड आता है ना उसी का पार्ट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ईबीवीएन फ्लड या फ्लो कहें ये कैसे होता है। ईबीवी कब है, अब यहाँ से फिर से चलेंगे वापस और यहाँ पर देखेंगे। अब देखो यहाँ से वाटर जा रहा है ऊपर आ रहा है नीचे गिर रहा है, द टाइम जो यहाँ से टाइम है हाई टाइड एंड लो टाइड, हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच का, हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच का जो टाइम है, व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग, जब वाटर लेवल नीचे हो रहा हो और हाई टाइड और लो टाइड के बीच का टाइम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड ईबीवी। ठीक है, हाँ बीवी मत कर देना, ईबीवी इट मींस हाई टाइड और लो टाइड के बीच का टाइम, बट वाटर नीचे गिर रहा हो तब, जब ये गिर रहा हो तब। और फ्लड क्या है, लो टाइड और हाई टाइड के बीच का टाइम, लेकिन जब वाटर ऊपर उठ रहा हो तो उसे फ्लड बोलते हैं, वो फ्लड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आ जाएंगे, ये चीज बनेगा, तो इसे हम ईबीवी और फ्लड बोलते हैं। तो
आपको ये बड़ा इजी समझ में आ जाएगा। अब आता है, जैसे मैंने बताया कि एक चीज आती है आपकी कि कैसे दूर बनने पर उसका नाम दिया जाता है, वैसे कि हाई टाइड लो टाइड तो बनता ही बनता है यहाँ पर, तो जिसे हम बोलते हैं अपोजी अपेरिजी। अपोजी और पेरिजी कैसे होती, कैसे बनती है, अगर दूर जाता है पास आता है तो वहां पर भी एक पार्ट बनता है। जैसे आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस वाले पे, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, अब अगर हम इसमें चलें, आपको मैं दिखाऊं इसमें समझाऊं, मून्स ऑर्बिट जो है, मून्स ऑर्बिट ये है ना, मून्स का ऑर्बिट है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऑर्बिट है इसका, मून्स ऑर्बिट। जो मून का ऑर्बिट है, अगर वो अर्थ से कैसा एक इलिप्टिकल चक्कर लगाता है, यानी आपका पेरिजी क्या है, हायर देन अपोजिटाइड्स, यानी आप कह सकते हैं अपेजी एंड पेरिजी। अपेजी कब होगा, जब मून अर्थ के पास होगा, ठीक है, सॉरी अपेजी, अपेजी की बात करें, मून अर्थ से दूर होगा, यानी मून जो है अर्थ से दूर है, यहाँ पर पास में है, अगर यहाँ पर आ जाएगा दूर हो जाए, यानी मून अगर क्लोज है, क्लोज तो पेरिजी, ध्यान समझना पेरिजी, ठीक। और अगर ये दूर है फार, तो ये क्या हो जाएगा, अपेजी, इतना याद रखो अपेजी। अब यहां पर एक चीज दे, यहां पर हाई टाइड लो टाइड कैसे, पेरिजी टाइड्स हायर देन अपेजी टाइड्स, पेरिजी टाइड क्योंकि क्लोज में है ना, क्लोज में तो क्लोज होगा तो ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा काम करेगा, सिंपल सी बात है, तो यहां पर हाई टाइड आएगा, हाई टाइड, और यहां पर लो टाइड। इट मींस आप देखो, अगर हमारी अर्थ यहां पर है तब ये बन रहा है ना, पास हो गया, क्लोज हो गया, इट मींस हाई टाइड, और ये अर्थ अगर यहां पर आ जाओ यहां से कर, तो इट मींस यहां पर फार है, इट मींस यहां पर लो टाइड आएगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो पेरिजी टाइड्स हायर देन अपेजी टाइड्स, ओके, पेरिजी टाइड्स हायर देन अपेजी टाइड्स, मतलब इससे ऊंचा, ये हाई टाइड होगा, ये लो टाइड होगा, ये आपको समझना है। अब इसके बाद केवल इतनी ही बात नहीं, इसकी भी आगे बात है कि टाइड इतनी नहीं, सिज की पोजीशन, इसकी कई सारी पोजीशन, सिज की नीब, नीब पोजीशन, सिज की पोजीशन कैसे होता है, सिज की सन मून एंड अर्थ द स्ट्रेट लाइन, अगर इस स्ट्रेट लाइन पे है, जैसे पहले मैंने बताया एक सीधी लाइन पर तीनों हो, ये अगर इस सीधी लाइन पे है 180 डिग्री पे, स्टेशनरी मैंने बताया था ना कि उसमें टू लो टाइड और टू हाई टाइड आएंगे, अगर 180 डिग्री पे है, तीनों सीध पे हैं एक ही लाइन पे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर, अगर स्ट्रेट लाइन पर है तो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिज़की पोजीशन, सिज़की पोजीशन, That is called सिज़की पोजीशन, अगर स्ट्रेट पे है तो। एंड अगर ट्वाइस अ मंथ, ये कैसे आता है, मंथ में दो बार ऐसा होता है, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ, और यहां कंजक्शन न्यू मून जब होगा या फुल मून होगा इस टाइम पे, कई बार ऐसा होता है, कब होता है, कई बार ऐसी तिथि या नाम से वैसे पूछ लेता है, तो आप इसमें बोल सकते हैं कि न्यू मून एंड न्यू मून एंड फुल मून जब आएगा तब ऐसे सिज़की पोजीशन ये बनती है। तो ये कब होगा, न्यू मून एंड, न्यू मून एंड फुल मून, ये दो इस पे आएगा, ठीक है। इसके बाद हम यहां से सिज़की पोजीशन के बाद आता है क्वाड्रेचर पोजीशन, क्वाड्रेचर पोजीशन ही बेसिकली आपका नीब कहलाता है। तो क्वाड्रेचर पोजीशन, क्वाड्रेचर पोजीशन में ये है कि जो सन है और मून है और अर्थ, इन तीनों के बीच में एक राइट एंगल बनता है एक दूसरे से, दैट इज। तो राइट एंगल की अगर बात करें तो आप यहां पर समझ पाएंगे, ये नहीं,
मैं बना देता हूँ। अब देखो ये मून है और एक मून इधर भी बना दो और ये है। अब यहां से आप देखो राइट एंगल बन रहा होगा, बन रहा है कि नहीं? 90 डिग्री राइट एंगल इसमें बनेगा। तो सन एंड मून आर एट द, सन एंड मून आर एट द, यहां से देखें मून का सन से यहां से क्या 90 डिग्री का पोजीशन बना रहा है। सन एंड मून आर एट द राइट एंगल टू द टू ईच अदर,